चलिए पहले तो मैं ये प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या और हमने 12 सितंबर तक कैसे किस तरीके से जो है चीजों को करना है। तो ये जीएस पेपर के लिए है, जैसा कि आपको पता है कि जीएस पेपर का ही रोल सबसे ज्यादा है और जो हमारा पेपर है यानी कि जो हमारा कट ऑफ जाएगा इसी पर जाना है। और इसी इस दौरान क्या है, हम जैसे शुरू कर रहे हैं आज 14 तारीख से हम शुरू करवा रहे हैं। हालांकि प्रोग्राम हमने 12 में शुरू करना था लेकिन ये 2 क्लासेस हम बीच में संडे वगैरह में एडजस्ट कर देंगे। तो 14 से शुरू करवा रहे हैं और इसमें हमने 4 राउंड बनाए हैं और 1 हफ्ते में 5-7 दिन में या 7-8 दिन में आपका एक पूरा रिविजन हो जाएगा सारे सिलेबस का। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं, जो SCS लेवल पर हमें लगता है कि इनका स्टैंडर्ड ये रहता है, इस तरीके के सवाल आते हैं। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको आते भी होंगे उसमें से, क्योंकि आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी आपने दोबारा से वो सब चीजें देखनी है। तो ये पहला राउंड चलेगा हमारा, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा, ये 22 जुलाई से होगा। और ये 2 क्लासेस जो हमारी है, हमने थोड़ा सा डिले हो गई है शुरू कराने में, तो हम कराएंगे बीच में। तो तीसरा जो है आपका, फिर ये 2 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक लगातार है, सिर्फ संडे की छुट्टी हमने रखी है और एक दिन भी हम नहीं करने वाले, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई क्लास अगर मान लो रहती भी है, छूट भी जाती है, तो उसको अगले दिन किसी वक्त जो है उसको कराएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम उसको आगे पीछे कर ही नहीं सकते हैं, तो 5 राउंड बनाए हमने, यानी कि 5 रिविजन जीएस वाले सिलेबस के पूरे आपके हो जाएंगे। और इसको टारगेट करके जो है, आप अपना जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको भी आप टारगेट करके उसी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और तो ये हमारा इस तरीके से जो है ये चलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ, आज मैं जो है हिस्ट्री से शुरुआत करवा रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री से मैं शुरुआत करवा रहा हूँ। और उसके अलावा जो 2 और भी थे, फिर मैं इसको उसी रूटीन में ले आऊंगा जो हमारा शेड्यूल है। तो चलिए, तो अभी मैं शुरुआत करवा रहा हूँ और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएंगे तो मैं आपको इसका PDF सेंड करूंगा, ठीक है। तो उस पर बात होगी। अब जैसे एक सवाल यहाँ पर है, तो आप भी इसमें पूरी तरीके से शामिल रहोगे, आप इसमें हिस्सेदार हो इसको करने के लिए। एक पहला सवाल है, महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया था सोल्ट सत्याग्रह के टाइम पर, तो उस वक्त जो है, तो व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप किसके हाथ में आ गई थी। तो मंजीत, ये 4 ऑप्शन है और आप इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। ये मैंने असल में जूम पे क्लास इसलिए शुरू कराई है कि आप पूरी तरीके से इसमें हिस्सा लो, ठीक है जी। तो और फिर हम इस पर बात करेंगे कि और क्या क्या हमने इस पर करना है। तो सोल्ट मूवमेंट या सोल्ट सत्याग्रह की बात है, 4 ऑप्शन मंजीत आपके सामने है। आपने पिछली बार मेंस लिखा था, आप बता रहे थे आपने मेंस लिखा है पिछली बार जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा कुछ आइडिया आपको है, कुछ आप बताना चाहोगे? अपर्णा, आप देखो एक बार इस सवाल को, ये सोल्ट मूवमेंट का सवाल है, सोल्ट मूवमेंट आपने किया है। सर इसका आंसर सी है, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब, ठीक है, बिल्कुल ये सही जवाब है। देखो जो हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, SCS 2019, ठीक है, 2019 में भी हमने टेस्ट सीरीज कराई थी अपनी, या हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे इम्पोर्टेंट। तो जो सोल्ट मूवमेंट है ये, याशिका तुमने जवाब देना है, ये SCS 2019 में सवाल आया हुआ था और पिछले साल का सवाल है। सवाल ये था कि सोल्ट मूवमेंट को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। याशिका, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सर सोल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं उसको, दांडी मार्च भी कहते हैं। दांडी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च ऑप्शन में नहीं था। और क्या नाम है इसका सोल्ट मूवमेंट का? ऑप्शन नहीं था, है वैसे ये, ठीक है। और क्या नाम है इसका बताइए मंजीत, आप बताओ सोल्ट सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? पोरबंदर। ये अपर्णा आप बताओ, पेपर तो आपने पिछले प्रीवियस ईयर का जरूर देखा होगा, मेरे ख्याल से पेपर आपने जरूर देखा है जी सर।
तो बहुत आसान सवाल था। देखो जो गांधी जी के मूवमेंट हैं तो उसमें जो उनका दूसरा मूवमेंट था उसको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहते हैं, क्या आपने देखा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतना आसान सवाल उन्होंने पूछ रखा था कि देख कर लग रहा था कि ये पेपर जो है क्या वाकई इतना आसान होता। हमेशा होता एक बार होता ना, हम चीजों को बहुत मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन आपने समझना नहीं है। आप जो हम अभी मान लो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसको करने के बाद भी, और जो आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो, एक चीज हम और भी करेंगे साथ के साथ, जैसे ही हमारा एक पूरा कवर होगा ये रूटीन वाला, तो उसके बाद हम इसका फुल टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है ना। हम यानी कि उसी तरीके से उसको फुल टेस्ट पर भी आ जाएंगे, तो टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहते हैं इसे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सवाल आपका पिछले साल का पेपर का है, आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगा लिखा हुआ। बहुत सिंपल साधारण सवाल पूछ रखा था उन्होंने, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें जो अब्बास तैयब जी हैं इनको जो है ये कमान दे दी थी इन्होंने, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन, पहली बार आपने नाम सुना होगा, मंजीत नाम सुना है पहले अब्बास तैयब जी का? यस सर। हाँ, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। करीब 76 इयर्स की इनकी एज थी उस वक्त, और तब उन्हें कमान दी गई थी। और ये मूवमेंट जो है आपने पढ़ाई है, ठीक है, इसकी डिटेल आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहता है। और नमक का मुद्दा क्यों उन्होंने रखा था, ऐसा नमक में क्या खास बात थी मंजीत की, नमक को ही वो एक मूवमेंट में लेकर आए, कौन सा टैक्स लगा रखा था, क्या नमक सोने के भाव बिक रहा था, गांधी जी उस बात से परेशान थे। और ये कॉमन मैन क्या आइटम है, ये सबको चाहिए। हाँ नहीं, जैसे आज के टाइम पर भी टाटा नमक आता है तो बहुत सस्ता होता है, ठीक है, बहुत सस्ता होता है। और रेनू हमने क्लास अभी शुरू की है, ठीक है, और तुमने ज्वाइन कर लिया है, और हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे सोल्ट मूवमेंट की, ठीक है। सोल्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था बताना रेनू एक बार, रेनू मेरी आवाज सुन पा रहे हो, जो नमक सत्याग्रह था वो किसने चलाया था? महात्मा गांधी सर। हाँ ठीक है, महात्मा गांधी। तो जैसे ही सोल्ट मूवमेंट यहाँ पर मैंने बात की है तो इसकी डिटेल आप जान लो। पिछली बार सवाल आ रखा बड़ा आसान था, उसके बाद भी मेरे अपने कई स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ा रखा था और उनको बताया था कि आपका एक नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबेडियंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो भी जो है सिविल डिसोबेडियंट नहीं टिक कर कराए, ठीक है। तो वो घबरा जाते हैं कई बार, पेपर का स्ट्रेस इसलिए होता है, टेस्ट हम इसलिए रखते हैं कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, कई बार सवाल ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि हमसे नहीं आ रहा, तो टेस्ट जो होते हैं वो हमें तुक्का लगाना भी सिखाते हैं, ठीक है, लॉजिकल गैस जो होता है। तो टेस्ट में आपका साथ के साथ कराऊंगा। वैसे टेस्ट जो हमारे स्टूडेंट पुराने हैं उनका चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेस्ट से सीखते हैं। तो इस पर आपने ये, इसमें कितने लोग थे, कहाँ तक गए, ठीक है नहीं। तो सोल्ट मूवमेंट के पीछे जो कहानी है तो वो यही थी कि वैसे उस जमाने में भी सोल्ट बहुत सस्ता था, आज भी सस्ता है, 10-12 रुपए की थैली, 20 रुपए की थैली आ जाती है आम आदमी की, और वो चलती भी पूरे महीने, ठीक है, इतना महंगा नहीं है। तो उस जमाने में ये था, देखो उस जमाने में मीडिया तो था नहीं, एक हमारा मूवमेंट चला हुआ है, लोगों को हमने जोड़ना है, और जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, हमारा क्या नेशनल इश्यूज हैं कि देश को आजाद कराना है, तो आम आदमी तक खबर कैसे पहुंचे, आज तक वाले आज के जमाने में है, जी न्यूज वाले आज के जमाने में है, लेकिन उस जमाने में तो नहीं थे। तो नमक को मुद्दा वो इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि हर आदमी जानना चाहे कि नमक तो पहले ही जो है 25 पैसे का कई किलो आ जाता है, इसमें कौन सा टैक्स सरकार ने लगा दिया। अब उस टैक्स के जरिए जो है वो जो देश में चल रहा है, जो कांग्रेस की डिमांड है या नेशनल मूवमेंट की डिमांड है, वो उसको उससे अवेयर हो जाता है। तो ये इसके पीछे एक वजह थी। तो इसका जवाब आपका अब्बास तैयब भी है। और अगला क्वेश्चन है इनविच सेशन, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस प्रोग्राम ही है, और इसमें जो है कई सारे राउंड चलेंगे, रेनू आपने वो डिटेल देख भी ली होगी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज जो है वो एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के किस सेशन में, ये रेनू आपने बताना है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है। तो मैं सब सवाल सबसे पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल जो है जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टिक करते हुए चलेंगे, हम आप एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। 2 घंटे का वक्त रहेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, बाकी दिन भर तो आपके पास 22 घंटे आप पढ़िए। रेनू बताओ कि जो हमारा पूर्ण स्वराज है ये कांग्रेस के किस सेशन में इसको स्वीकार किया गया था। रेनू मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
हाँ रेनू, हाँ ठीक है, हाँ बताओ रेनू। देखो मैं प्रैक्टिस सेट से आपको एक चीज और भी सीखनी है, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि जब पेपर आता है तो हमारे जहन में एकदम परेशानी सी हो जाती है, और कई बार हम सवालों को गलत करते हैं। एक तुक्का लगाने का भी फायदा होता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम तुक्का हमारे तुक्के लगते भी हैं, ठीक है, या हम कितने होश में तुक्के लगाते हैं। अगर तुम इसमें कुछ कहना चाहोगे रेनू, तो कौन सा जवाब लगाना चाहोगे? रेनू मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी सर, आप तो मेरी साउंड क्लियर हाँ नहीं। हाँ अब मुझे सुनी है, हाँ क्या क्या जवाब लगाना चाहते हो उस पर? हाँ मैंने सर लाहौर लगाया। लाहौर, ठीक है। संगीता ये जवाब ठीक है क्या? यस सर, ओके। हाँ चलिए, तो मंजीत आप बताओ कि जो पूर्ण स्वराज है, इससे पहले स्वराज की बात चल रही थी, तो स्वराज का मतलब क्या था मंजीत? फुल फ्रीडम, पूर्ण रूप से स्वराज, और जो फुल पहला फ्रीडम स्वराज देना। था उसका क्या मतलब था? जो इससे पहले का स्वराज है, ये पूर्ण स्वराज से पहले। हाँ उसमें प्रतिबंध नहीं, सारी चीजों पे वो फ्रीडम नहीं थी। देखो, जो आपका ये स्वराज है ना, जितना भी स्वराज, चाहे वो तिलक का रहा हो या गांधी जी का रहा हो, आपका स्वराज का मतलब यही था कि भाई, स्वराज का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज देश से चले जाओ। तो वो जो आज के जमाने में देशद्रोह के आरोप लगते हैं कि आप अपने देश के खिलाफ बोल नहीं सकते हो, तो वो जमाने में भी थे ना। तो गांधी जी इस बात को कह सकते थे कि अंग्रेज देश खाली करो और जाओ, और ना तिलक कह सकते थे। स्वराज का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है उसमें आप हमें हिस्सेदारी दो, इंडियंस को हिस्सेदारी दो, इंडियंस को जो है आप मंत्री या पोस्टों पर रखो, जिससे कि अपनी कंट्री को संभाले, ठीक है। तो स्वराज का मतलब कोई भी आपसे अगर पूछता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्वराज जो है, देश से अंग्रेजों को निकालने के बाद कोई भी नहीं कह सकता था, उन्होंने जेल जाना था, और ये सारे वकील थे, गांधी जी भी वकील थे, ठीक है। हाँ अब मैं यहाँ पर कुछ और बात ये करना चाह रहा था, जैसे अभी लाहौर सेशन की बात आ गई है, तो कांग्रेस के कौन कौन से सेशन हैं जो आपने याद करने, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सेशंस पे सवाल हमेशा आता है। तो क्वेश्चन कई तरीके के आते हैं जो आपके कांग्रेस के सेशन हैं, तो आपको बहुत पक्के तरीके से याद होना चाहिए। तो 1929 का आपने अभी देख लिया है, एक आपने 1931 का करना है, एक आपने 1936, 1937, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इनके सेशन में क्या खास बात हुई है, या कोई खास बात है उनके प्रेसिडेंट के नाम की, खास क्या है इनके अंदर, मतलब आपने देखना कि कुछ स्पेशल बात हुई है, जरूर हुई होगी अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और उनके प्रेसिडेंट का नाम भी आपने याद रखना है। देखो आपको यहाँ डायरेक्शन मिलेगी, जो भी प्रैक्टिस सेट है वो, उससे आपको डायरेक्शन मिलने वाली है कि आप अपनी अपनी तैयारी को किस दिशा में लेकर जाएं, ठीक है। इसके अलावा आपने 1896 वाला करना है, 1905, 1906, 1909, 1911, ठीक है, और इसके अलावा 1916 वाला है, और एक आपका 1920 वाला, जब आपका नॉन कोऑपरेशन आया था, और 1924 है, 19 आपका 25 है, और एक आपका 1933। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। एक है आपका 1947 और एक है आपका 1948, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। या मान लो सवाल आपसे पूछ लिया गया कि पहली बार जनगण मनगण कौन से सेशन में गाया गया, उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो ये आपको याद होने चाहिए। बाकी आपने 85, 86, 87 और 88, चार आपने ये भी करने हैं, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई, क्वेश्चन भी हो गया, जो सवाल था तो आपने इनको जरूर जरूर लर्न करना है, क्योंकि अभी हिस्ट्री के भी आपके जो है ना, चार सेशन चलने वाले हैं। अभी तो आज मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में, फिर अगले राउंड में 5 राउंड आपके हैं, तो आपको बार बार मौका मिलेगा उस सिलेबस को करने का। अगला सवाल आपका बारदोली सत्याग्रह का है, बारदोली सत्याग्रह है, इसके बारे में अपना बताओ, कुछ आप बताना चाहते हो बारदोली सत्याग्रह किसने, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बात है। ये कब हुआ था? हाँ ये सर। अच्छा ये मंजीत आप बताओ, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था?
ये 24-25 के आसपास हुआ था। 24-25 याशिका याशिका मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ सर 24-25 याद है मुझे तो। 1924-25 और रेनु सर 25। अच्छा ये 25 पर कि मैं क्या खास बात है, आप सबने 25 कहा। मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ कि बारदोली कब हुआ, 1924-25 और 27 और 28। अब बताओ सर अब 28 आएगा। 28 इसका जवाब है। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें हमने करनी है। और एक सवाल और पूछा जाता है इस पर कि सरदार का टाइटल जो है इन्हें किसने दिया था, क्योंकि सरदार तो इतने नहीं, ठीक है, तो ये सवाल भी आपने जो है पूछ लिया जाता है। तो वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है। इनको ये आसान सवाल है। देखो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब मैं खुद तैयारी करता था, मैं यूपीएससी की तैयारी जब मैंने शुरू की तो काफी पुरानी बात हो गई, उस जमाने में 2001 की बात है, ठीक है। 2001 से लेकर 2004 तक मैंने यूपीएससी दिया और उस टाइम पर मुश्किल से 250 सीटें आती थी, 250 सीटें मुश्किल से, और प्रीलिम्स निकालना ऐसा था जैसे भगवान ढूंढ लिया आपने, ठीक है नहीं, तो बहुत मुश्किल प्रीलिम्स निकलता था। तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात चलती थी, मैंने चारों बार प्रीलिम्स निकाला, ठीक है, और दो बार में इंटरव्यू भी लिया, तो चारों बार मैंने मेंस लिखा था। अब मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मेरे जहन में ये चलता था कि मुझसे आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये बात मेरी बहुत आप जहन में रख लेना। मैं घर से ये सोच के चलता था कि आसान कभी गलत नहीं करूंगा, जो मुश्किल आएगा वो सबके लिए मुश्किल होता है। ये बड़े मजे की बात है, लोग उसी की चर्चा करते हैं, अरे ये आया। वो 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो सबको परेशान करते हैं, ठीक है। लेकिन आसान सवाल अगर हमसे गलत हो जाता है तो भगवान भी हमें नहीं माफ कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, आपके सामने सवाल आ जाए तो ये आसान सवाल है। आप भी अपने जहन में ये रखो कि मुश्किल तो आएगा, मुश्किल सभी के लिए मुश्किलें करेगा खड़ी, लेकिन आसान सवाल जिससे गलत हो गया तो आप निगेटिव में चल गए। चलिए अगला सवाल आपका, वेयर इज मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड, वेयर ए। एक सवाल मैं यहाँ पर और पूछ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और रेनू से पूछता हूँ। रेनू हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे रेनू? राजेंद्र प्रसाद सर। नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो हमारे प्रेसिडेंट थे, उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, हमारे पहले उप प्रधानमंत्री। ये तो सवाल जो है ना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। हाँ चलिए मंजीत, आपने एक सवाल और यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये सब सवाल आपके सिलेबस में है, आएंगे सवाल ये, हालांकि पॉलिटी का सवाल है, यहाँ पर बात आ गई तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पूछ लिया, ये आगे आएगा सवाल, ठीक है नहीं? 15 ये किसने बताया, अपर्णा तुमने बताया? मैंने सर। हाँ अपर्णा तुम बताओ कितने बने हैं? सर मुझे नहीं आता सर। हाँ देखो, भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है नहीं, क्योंकि लास्ट हमारे अटल बिहारी ये लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसके बाद कोई भी जो है डिप्टी पीएम नहीं बना है, तो टोटल अभी तक 7 बने हैं, ठीक है। उनके नाम क्या है, तो अभी जब हम पॉलिटी वाले सेक्शन पे आएंगे, जिस दिन हम पॉलिटी पे बात करेंगे तो उस दिन मैं उनके नाम बताऊंगा, ठीक है। पहले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आखिरी आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो 7 लोग बने हैं। अगर आपके सामने ऑप्शन आ गया 7, 6, 10, 11 या 15 तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल एससीएस पूछता है। एससीएस ने एक बार सवाल पूछा कि हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, 2014 का सवाल, 5, 6, 7, 8, इस सवाल को भी लोग गलत कराए, ठीक है। ये 2014 का सवाल था, बहुत आसान सवाल है। और सर रिपीट करना इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ ये सवाल था एससीएस 2014 का, 14 का, उसमें पूछा था फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने, बस सिंपल सवाल, आसान सवाल। अब इस सवाल को भी लोग गलत कराए, ठीक है। मंजीत कितने हैं हमारे? 6 सर, 6 हैं, ठीक है नहीं, तो ऐसे ऐसे आसान सवाल थे, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। चलिए
अगला सवाल है कि वेयर इज मुस्लिम मॉस्क। अभी हम आज हिस्ट्री पर ही बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, रोजाना का अलग का वो रहेगा शेड्यूल आपके पास है। तो वेयर इज मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर ए हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब हैज बीन प्रिजर्व। ठीक है, तो उनका कोई आर्य वंशज है, कहाँ पर, इस जगह पर है पर अजमेर। ये आपके बताओ मंजीत, बताना चाहते हो, थोड़ा फैक्चुअल सवाल हो गया है, ठीक है ना, तो लेकिन वो यहाँ पर आकर बस गए थे, है तो सवाल हिस्ट्री का ही तो, लेकिन वो इंडिया में आकर बस गए थे, ठीक है ना। तो पैगंबर मोहम्मद हालांकि अजमेर नहीं, अजमेर में तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, ठीक है ना, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती थे, सूफी संत थे। मक्का सर, मक्का नहीं, मक्का में तो पैगंबर मोहम्मद थे, ठीक है। श्रीनगर होगा स्थान सर। हाँ, श्रीनगर इसका जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है श्रीनगर, ठीक है। नहीं, हजरत बल बोलते हैं उसे, आजकल बहुत चर्चा में जो है बने हुए हैं, हजरत बल का आप देख रहे होगा टीवी वगैरह में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो इशू है 370 हटाई गई है और इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है वहाँ के लोगों का 370 के हटने से। हालांकि जरूर पॉलिटिकल मुद्दा है इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना 1947 के जो हालात से थे उससे बाहर निकल कर आए अब, वो भी मोदी जी की वजह से, अब वहाँ डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो जाएगी। चलिए, तो नोआखली का नाम सुना है, हाँ बताओ अपना, नोआखली जो है वेस्ट बंगाल में है। नोआखली वेस्ट बंगाल में है, तुम बताओ मंजीत। वेस्ट बंगाल राइट आंसर। हाँ, तो नोआखली जो है ये ये चिटगोंग डिवीजन है, ठीक है। अब ये वेस्टर्न बंगाल वाले हिस्से में पड़ता है, बांग्लादेश वाले हिस्से में, ठीक है। तो वैसे तो बंगाल अगर ऑप्शन होता तो वही जवाब आता, क्योंकि जब 1947 में दंगे शुरू हुए थे पार्टीशन के टाइम पर, उस वक्त ये बहुत ज्यादा चर्चा में था कि नोआखली के दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और देश का बंटवारा हो रहा था, क्योंकि ये जो धर्म वाला इशू है ना इंडिया के अंदर वो हमेशा रहा, दुनिया में रहा, इंडिया में। नोआखली से, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फैक्चुअल सवाल है। और पार्टीशन के टाइम पर जो है बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगों में काफी सारे लोग मारे गए थे उस पर, ठीक है, और बहुत ज्यादा नफरत वाले दौर था। तभी आपने नाम सुना होगा एक दिलीप कुमार, अभी अभी उनका उनकी डेथ हुई है मंजीत, क्या नाम था इनका असली, यूसुफ खान। यूसुफ खान, तो क्यों वो जो है मंजीत उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया था, रोमांटिक छवि के लिए, जो उनकी जो एक्टर है वो जो उनकी डायरेक्टर है उन्होंने बोला था कि भाई आपकी रोमांटिक छवि उससे एस्टेब्लिश होगी इंडिया में। हाँ ये हाँ हाँ जी हाँ बताओ पढ़ना, कुछ बताना चाहते हो। वो मतलब वो माइग्रेटेड थे और मुस्लिम मतलब हिंदू समाज में ज्यादा एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने अपना हिंदू नाम रीक्रिस्टन कर लिया। असली कहानी जो है ना मंजीत यही है कि उस वक्त नफरतें बहुत हो गई थी पार्टीशन के टाइम पर, तो आप कितने भी अच्छे कलाकार हो तो बड़ा मुश्किल था कि आपको लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते। तो दिलीप कुमार थे, या हम बात करें कि ये वैसे मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ हटके, हालांकि जो है न्यूज में चीजें और रहती हैं, या हम बात करें मधुबाला की बात करें, या हम जॉनी वॉकर की बात करें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने नाम बदले थे, उन्हें लोग जानते नहीं थे, मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है। नहीं तो वो हालांकि हम धर्म में या सांप्रदायवाद में यकीन नहीं रखते, ना जातिवाद में यकीन रखते, ना किसी ने रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उस जमाने में जरूर उनकी मजबूरियां रही थी कि जो है उन्होंने अपने नाम को पीछे वो ले गई, ठीक है। और बाकी एक्टर तो बहुत बढ़िया एक्टर थे, ठीक है नहीं, और बड़ा नाम था उनका। चलिए खैर, अगला है आपका कि ये आपके कुछ ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और कुछ आचार्याज हैं, इनको क्रम में बताना है, पहले कौन से आए, पहले उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से। तो मंजीत आप कोशिश करो इस सवाल के लिए, ठीक है। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य, इसका आइडिया नहीं है सर। ये ऑप्शन कौन सा वाला है अपना, ए ऑप्शन सर, शंकरा सर।
रामानुजा माधवा चैतन्य बिल्कुल बिल्कुल शंकराचार्य रामानुजाचार्य माध्वाचार्य और उसके बाद आपका है चैतन्य ये इनका ऑर्डर है और शंकराचार्य ने भी एक फिलोसफी दी है रामानुजाचार्य की भी फिलोसफी है माध्वाचार्य की भी है तो अगर मैं बात करूं शंकराचार्य की तो इन्होंने अद्वैतवाद दिया है हालांकि उन्होंने ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है नी अद्वैतवाद फिलोसफी किसकी है और रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद इनका है आपका विशिष्टाद्वैत और माधवा माधवा का है द्वैत ठीक है नी और चैतन्य ने जो आप आजकल कीर्तन होते हैं ना कीर्तन वगैरह घरों में होते हैं संकीर्तन बोल देते हैं उन्हें तो वो शुरू कराया था तो ये चार सवाल अपने आप में अलग से पूछे जाते हैं ठीक है चार सवाल ये आपके अलग से पूछे जाते हैं एक चीज और है जो ये जूम मीटिंग होती है ये 40 मिनट चलती है हालांकि हमारे ऐप में ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है तो अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपने फिर दोबारा से ज्वाइन करना है ठीक है मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा तो ये अद्वैतवाद ये शंकराचार्य की है ये सवाल आते हैं आए हैं हमेशा ठीक है तो ये भी आपने याद करने ये सब इम्पोर्टेंट है और हम आपके एग्जाम की तरफ जा रहे हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं सब हम आपका एग्जाम की तरफ पहुंच रहे हैं और आपको सवाल बहुत ज्यादा जो है आपकी मदद करेंगे ये ठीक है तो सुनने से भी फायदा होगा गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए थे ठीक है और फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर 1906 1908 1913 1917 ये मंजीत आपने जवाब देना है इसका 1908 और याशिका तुम बताओ तुमने पढ़ा होगा जरूर यस सर सर 1908 ही आया और रेनू सर 1906 हाँ सर 1906 सर स्थान 1906 में क्या हुआ था सर वो एक दलित वाला कुछ है सर 1906 का हाँ मंजीत 1908 में क्या हुआ था वो ट्रेन का इशू हुआ था सर कहाँ पर वो तो वहां हुआ था ये आपका सर 1906 में कुछ हुआ है बट हाँ जो उनकी मतलब गिरफ्तारी है ना वो 1908 में हुआ है वहां पर एक जो है ना साउथ अफ्रीका के अंदर एक कानून बनाया गया था जो वहां के एशिया के लोग थे उनके लिए तो वो चल तो 1906 से रहा था मसला ठीक है 1906 से मसला चल रहा था लेकिन उनकी गिरफ्तारी फाइनली 1908 में होती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और SCS के एग्जाम की नेचर ही है ठीक है वहां पर ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे ठीक है तो अब इसको आप करने से क्या ना इससे आपका वही है कि तो स्ट्रेस आया तुक्का लगाना भी आप सीखोगे और बाकी आपने याद भी करना है ठीक है बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सीखते चले जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास रिलीजियस कन्वर्जन ये याशिका तुमने बताना है जवाब इसका हाँ अपर्णा तुम बताना चाहते हो मेरे ख्याल बीआर अंबेडकर होगा सर इसका मंजीत फोर्थ आंसर डॉक्टर बीआर अंबेडकर और रेनू सर बीआर अंबेडकर हाँ मंजीत क्या क्या हुआ था मंजीत ये इन्होंने जो SCST को उन्होंने गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन नहीं दी थी तो उन्होंने बोला था हम ये दूसरा रिलीजन एडॉप्ट कर देंगे नहीं रिजर्वेशन तो अभी भी मिली हुई है SCST दोनों को मिली हुई है रिजर्वेशन के बिना हिंदुस्तान वो तो शुरू में हमने रखा ही था कि भाई हमारा जो समाजवाद है ना वो रशिया वाला नहीं होगा हम जो पीछे लोग रह गए हैं उसको आगे लेकर आएंगे डेवलपमेंट करेंगे स्कीम्स लेकर आएंगे तो अपना क्या हुआ था हाँ देखो बीआर अंबेडकर ने हमेशा जो हमारा जो ये कास्टिज्म है ना देखो मैं कास्टिज्म में यकीन नहीं रखता ना किसी ने रखना भी चाहिए ठीक है ना जातिवाद ने हिंदुस्तान का बहुत बुरा किया है इतना बुरा किया है कि हम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा किया है ठीक है नहीं तो करीब 5-6 लाख लोगों जो है ऐसा बताते हैं कि कन्वर्ट हुए थे 1956 की बात है अक्टूबर के महीने
है ना, एक मास कन्वर्जन हुआ था, ठीक है, और हिंदू धर्म छोड़ दिया था लोगों ने, बुद्धिज्म में चले गए थे, ठीक है, नहीं बुद्धिज्म में चले गए। आजकल आप देख रहे हो ना एक पॉलिटिकल इशू चल रहा है, लव जिहाद, तो ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, ठीक है ना। जब तक इलेक्शन आएंगे, ये जो इलेक्शन यूपी के आने वाले हैं, गुजरात के भी इलेक्शन है अगले साल, तो ये मुद्दे चलते रहेंगे लोगों को आप बेवकूफ बनाने के लिए, कभी धर्म के नाम पर यहाँ वहाँ के। तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो, उनको समझना बहुत जरूरी है कि राजनेता जो है उसको वोट चाहिए होता है, और वो लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे खेलते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहे हैं, वो उनके कार्यकर्ता हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में नफरत फैलाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पर कास्ट जो है बुद्धिज्म अपना लिया था, क्योंकि अंबेडकर ने बड़ी कोशिशें की थी कि भाई समाज जो है वो बराबर का हो जाए, क्योंकि आप आपके पास नौकरी है पहले से ही मंजीत, आप SC/ST इसलिए बनना चाहते हो या कोई भी है कि आप और मान सम्मान चाहते हो। इंसान के अंदर मान सम्मान की भूख होती है, ठीक है, नहीं हर आदमी चाहता है कि मुझे और ज्यादा प्रतिष्ठा मिले। तो कहीं ना कहीं जो है जब समाज में आपने आपको दूसरे या तीसरे दर्जे पर रखा जा रहा है, जैसे आपने बताइए कि वैदिक एज में वो सब चीजें हमें नजर आती हैं, काफी कोशिशें हुई लेकिन उस लेवल पर नहीं हुई कि हम हिंदुस्तान से कि वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र वाला कौन से अब खत्म करें, लेकिन हो नहीं पाया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें भी नहीं हो पाया, ठीक है नहीं। अगर हम चाहते कोई ऐसी क्लोज बनाते जिससे कि हम कास्टिज्म, जब हम 370 हटा सकते हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है नहीं, तो कास्टिज्म के लिए भी हम कोई कानून बना सकते, ठीक है नहीं। तो वो नहीं बना कैसा भी, और अंबेडकर को कहीं ना कहीं लगा, उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ठीक है नहीं। तो बुद्धिज्म में चले गए, और वैसे धर्म सब अच्छे होते हैं, भगवान सब अच्छे होते हैं, इंसान में ही अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, ठीक है ना। तो जो इंसान है वो ज्यादा होशियार होते हैं या ज्यादा चालाक होते हैं, और उसको धर्म की चीजों को बदल देते हैं, वो खैर अलग बात है। चलिए, तो अब मैं अगला सवाल देखता हूँ। तो ये सवाल था आपका अम्बेडकर के ऊपर, और अगला सवाल है आपका, ये एक सवाल दे रखा है संवत जो है आपके, जिसको एरा बोलते हैं कैलेंडर वगैरह, तो ये इनका क्रोनोलॉजी बतानी है, अपर्णा आप बताओ। मुझे तो मुझे 1 या 4 में से लग रहा है सर, ये 4 या 1 है। और मंजीत सर 4th, ये वाला 4th, ये किसने बताया, रेनू ने? जी सर, रेनू ने 4 बताया है। और जो है मंजीत आपने? हाँ 4th ही है सर ये, क्योंकि लास्ट में अभी साका आया है, देखो जो साका फर्स्ट और 4th में है। हाँ, जो ये शका एरा है ये 78 AD में था, ठीक है ना, शुरू हुआ था 78 में। और इसके अलावा गुप्ता जो है आपका ये करीब 320 AD में शुरू हुआ है, हिजरी जो है ये 622 में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शुरू हुआ है। और जो ग्रेगेरियन है ये जो है, वैसे तो ये ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है, लेकिन एक पोप ग्रेगरी 12th थे जिन्होंने इसको 1582 में शुरू किया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें जो इसका जवाब नजर आता है, तो इसका ये शका, गुप्ता, हिजरी और ये सी नजर आता है, ठीक है। इनके कैलेंडर ही अलग से ही पूछ लिए जाते हैं, शका एरा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो कैलेंडर है ना सरकारी, वो इसी पे बेस है जो हिंदी का कैलेंडर होता है। और शका एरा मंजित किसने शुरू किया था? अपर्णा है, क्या नाम था उनका? रेनू और याशिका। जी सर। हाँ बताओ, बहुत आसान सवाल आ गया है कि शका एरा या शक संवत किसने चलाया, और हिंदुस्तान का ये कैलेंडर है। विक्रमादित्य सेकंड आई थिंक कुषाण में था,
कनिष्क, कनिष्क ने चलाया, ठीक है नहीं? इसका जवाब कनिष्क है, और कनिष्क एक राजा हुआ है आपका एंशियंट हिस्ट्री में। याशिका तुमने पढ़ा होगा जरूर कनिष्क, तुमने मेंस के लिए भी पढ़ लिया है कनिष्क, प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया है, तुमने मेंस का आंसर भी लिखा है, ठीक है नहीं? तो कनिष्क जो है वो राजा था जिसने शक संवत चलाया था, और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये चीन से आया था, चाइना से। चाइना के रिलेशन हमारे अभी से नहीं है, बहुत पुराने जमाने से हैं, और ये कैलेंडर हिंदुस्तान का हिंदी कैलेंडर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि ये कुछ आपके वुमेन स्कॉलर कह सकते हो आप, जो विदुषी महिलाएं रही हैं एंशियंट हिस्ट्री में, गार्गी, मैत्रेयी, कपिला, वोज, कौन सा उनका होम माना जाता है गार्गी? ये एंशियंट हिस्ट्री में जो है